ये सही है, कोई बीफ खाने वाला हिंदुत्व पर ज्ञान देगा, कोई एथिस्ट धर्म पर ज्ञान देगा, मगर हिंदुत्व का नाम लेकर जो ये मजाक किया गया उस पर कौन बोलेगा। मगर मैडम का जमीर उफ क्या स्प्लिट सेकंड में चेंज हो जाता है। और ऐसी फिल्म को सारे मतलब सारे तथा कथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी सपोर्ट कर रहे थे, जो भड़काऊ भाषण देकर शहर में दंगे करवा देता है, वो लास्ट में शांति का कबूतर बन के कुटरगू करने लग जाता है। कोई मतलब कोई मसीहा वसीहा नहीं होता है। ये बी पुट ने जो मजलूमों वाली मानसिकता भारतीयों की बना डाली है ना, ये उसी का नतीजा है। बस मूवी खत्म, पैसा हजम और हिंदू वसुदेव कुटुंबकम। आज देख मेरे लिए हिंदू मुसलमान कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ इंसानियत रखती है, सिर्फ इंसानियत। रुक, नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तो कहां जाएगा तू? मेरे मुसलमान भाइयों की सहायता कौन करेगा, उन्हें कौन बचाएगा? तू जा, बचा हिंदुओं को, मंदिरों को, मस्जिदों के सामने तेरा ये भाई खड़ा है। हिंदुत्व, कई लोगों ने कई तरीके की डेफिनेशन दी है। किसी ने हिंदू रेजिस्टेंस कहा है, तो किसी ने इसे हार्डकोर हिंदुइज्म कहा है, मगर कोई भी हिंदुत्व की मूल डेफिनेशन नहीं दे पाया। हालांकि इसकी मूल डेफिनेशन इसी शब्द हिंदुत्व के अर्थ में छुपी हुई है, मगर आज का वीडियो हिंदुत्व की डेफिनेशन पर नहीं है, बल्कि उस डिस्टॉर्शन पे है जिसे ना जाने कितने ही सालों से हर बार अलग अलग प्रोपेगेंडाओं के रूप में फैलाया गया। और आज के समय में तो हिंदुत्व की डेफिनेशन वो लोग देने लग गए हैं जो पहले कछु और थे। और ऐसे में यही काम अगर बीपुर संभाल लें तो भैया समझ लो खेला हुई गवा। एक बहुत पुरानी आदत है हिंदुओं की कि कोई भी उठकर आ जाता है, हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाता है, सब लोग उसके फैन बन जाते हैं और बाद में वही हिंदुओं का मामू बनाकर चला जाता है और हिंदू बस देखता रह जाता है। यही हाल है इस मूवी का, जिसका नाम भी हिंदुत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष, हिंदुत्व मूवी, जिसका प्रचार ऐसे किया जा रहा था जैसे हिंदुत्व का पाठ यही पढ़ा सकते हैं समाज को। बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट ट्विटर हैंडल्स पर इसे प्रमोट भी किया गया था, मगर जब फिल्म रिलीज हुई तो हिंदुत्व में से निकला क्या, भाईचारा विद वसुदेव कुटुंबकम अप्लाइड। फिल्म देखने जब मैं गया था तो मेरे साथ की सीट पर 15-15 साल के दो लड़के भी थे, जो बेचारे इसी हिंदुत्व मूवी के क्रेज के कारण आए थे। मगर फिल्म के इंटरवल में मैंने जब इस मूवी का क्लाइमैक्स इन लोगों को पहले प्रिडिक्ट करके बता दिया तो उन्हें उस समय यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब उसी क्लाइमैक्स को देखा तब वो भी समझ गए कि बेटा कट ही गया। यही हाल उस समय हर दर्शक का था जो जो इस मूवी को सपोर्ट करने के लिए उस थिएटर में आया था। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब मैं असम में था और तब भी मैं बहुत स्केप्टिकल था इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर। फिल्म की कहानी बहुत ही अद्भुत है। एक हीरो होता है, हीरो की माँ होती है जिसका खून हो जाता है, बाप होता है मगर बैरागी हो जाता है, दोस्त होता है जो विलन हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो बाद में हीरो की गर्लफ्रेंड हो जाती है, हीरो विलन में फाइट होती है, डायलॉगबाजी होती है, दुनिया में आग लग जाती है और लास्ट में दोनों का दोस्ताना सब पर भारी पड़ जाता है और पिक्चर द एंड। वसुदेव कुटुंबकम फिल्म की कहानी है अब भाई जो भी है ठीक है फिर बोलो। सो फिल्म की कहानी शुरू होती है अनूप जलोटा के भजन से और अपना हीरो देहरादून की वादियों में लहलहाता हुआ आता है और सबसे पहला डायलॉग देता है जय श्री राम। हीरो का नाम है भरत शास्त्री और ये अद्भुत रोल निभाया है आशीष शर्मा ने। भाई अब जो स्पेलिंग है वैसे ही स्पेल किया है। ये कैरेक्टर इतना लाउड है इस फिल्म में कि थिएटर में अगर वॉल्यूम डाउन का बटन होता ना तो लोग म्यूट कर देते। जिस चीप पने से ये डायलॉग बोलता है कि जय श्री राम बनेंगे सबके काम, ऐसा लग रहा था कि ये खुद सरकास्टिक तरीके से जय श्री राम बोल रहा है। इस कैरेक्टर की एक खास बात और थी और वो ये कि भाई को शांति का मसीहा बनने का बड़ा शौक था, इतना कि अपने कॉलेज के चुनावी सिंबल में भी कबूतर छपवा दिया। अरे बेटा एक कबूतरबाज और था जिसने 1962 में इंडो चाइना बॉर्डर पर ऐसे कबूतर उड़ाए थे और बाद में इन्हीं कबूतरों का सूप पीकर कोई बॉर्डर पर अटैक किया था। वसुदेव कुटुंबकम
इनकी अपनी एक दोस्तों की मंडली भी होती है, जिसमें अपनी औकात से ज्यादा चिल्लाने वाला एक सरदार कैरेक्टर होता है, एक हमेशा चुपचाप रहने वाला हिंदू कैरेक्टर होता है, और एक हमेशा हर बात पे हांजी हांजी करने वाला हिंदू कैरेक्टर होता है। वैसे कुछ लड़कियां भी इस ग्रुप में होती हैं, मगर डायलॉग इनको मिल नहीं पाता। अब क्या है ना, सारी फुटेज हीरो ही खा जाता है। इनके बचपन के दोस्त हैं समीर सिद्दीकी, कॉलेज के पॉपुलर लीडर, जो इंटरवल तक लोल सलाम की सितारा वाली टोपी पहनकर बस हर जगह शहंशाह अकबर बनकर बैठे रहते हैं। हीरो डायलॉग पे डायलॉग मारता रहता है, मगर असली ऑडियंस का रोल यही निभाता है। इंटरवल के बाद यही कैरेक्टर पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, जो कॉलेज का पॉपुलर लीडर होता है, जो लोल सलाम करता है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करता है, जो गिरती हुई नकली दाढ़ी वाले कश्मीरी मौलाना से मिलता है, जो भड़काऊ भाषण देकर शहर में दंगे करवा देता है, वो लास्ट में शांति का कबूतर बन के कुटरगू करने लग जाता है। क्योंकि भाई इसके माँ बाप लिबरल होते हैं, वो लिबरल मुस्लिम फैमिली जो कि एक मिथ है, यू नो गंगा जमुना तेजाब। वैसे इनका भी एक ग्रुप होता है जिसमें ग्लैमर ठूस ठूस कर भरा होता है, और यही एंट्री होती है इस फिल्म की फीमेल लीड की, जो इंग्लैंड रिटर्न है, पापा की परी है, सूफी गानों का शौक है, और बॉयफ्रेंड लोल सलाम वाला शांति दूत है। बस जिंदगी में और क्या ही चाहिए, यू नो गंगा जमुना तेजाब। मगर मैडम का जमीर उफ क्या स्प्लिट सेकंड में चेंज हो जाता है। इसका जमीर जब नहीं जागता, जब वो खुद और इसके खुद के दोस्त भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते हैं, क्योंकि ये तो तरीका था जिससे भारत सरकार इनकी बात सुने। क्या ये आर्गुमेंट सुना सुना नहीं लगता भाई? JNU वाले भटके हुए वामपंथी भी यही आर्गुमेंट दिए थे, तो अंतर क्या रहा इनमें और उनमें? वसुधैव कुटुंबकम। इनका जमीर जब जागता है, जब वो उसी गिरती हुई नकली दाढ़ी वाले कश्मीरी मौलाना के साथ समीर को देख लेती है। भाई अब झूठ बोलकर गया था ना, उफ ये प्यार का एंगल। अच्छा तो भाई यही एंगल रखते हैं ना, फिर क्यों ऐसा दिखाया कि उसके अंदर का हिंदुत्व जाग गया? भाई अब मामू भी तो बनाना था ना। अच्छा मामू से याद आया, गोविंद नामदेव, अनूप जलोटा और दीपक चिखलिकिया के रोल हैं। अनूप जलोटा साहब हीरो के बाप भी हैं और भजन गायक भी। गोविंद नामदेव जी का रोल उतना ही है जितना ये लोग उनको अफोर्ड कर पाए, और दीपक चिखलिया जी बनी हैं गुरु माँ, जो सिकंदर की कहानी सुनाकर वसुदेव कुटुंबकम का ज्ञान पेल रही हैं। फिल्म इतनी प्रेडिक्टेबल थी कि मुझे इंटरवल से पहले ही समझ आ गया था कि इसका क्लाइमैक्स कहाँ जा रहा है, और शायद इसलिए मुझे शॉक नहीं लगा, मगर मेरे साथ बैठे उन 15 साल के लड़कों को जरूर लगा, जिनको मैंने पहले ही क्लाइमैक्स प्रिक्ट करके बता दिया था। और वो बहुप्रतीक्षित क्लाइमैक्स था कि जब दंगे शुरू होते हैं, वही NTCA NRC वाले, उसमें समीर का लिबरलिज्म और ह्यूमनिज्म जाग जाता है, और वो हीरो के साथ मिलकर लोगों की जान बचाने निकल जाता है, मगर बचा नहीं पाता क्योंकि उसके पीछे मौलाना साहब के गुंडे नहीं, सिर्फ एक गुंडा, वो भी बीच सड़क पर हाथ में पिस्तौल घुमाते हुए चल रहा था, वो पीछे पड़ जाता है, और हीरो पहले अपनी स्वर्गवासी माँ की तरह उसी समीर की लिबरल मुस्लिम फैमिली को सांप्रदायिक हिंदुओं से बचाता है, और फ्लैश की स्पीड से समीर के पास पहुंच जाता है, और अंत में शहीद हो जाता है। जी हाँ, वीर गति बोलूंगा तो इस मूवी की शहादत कैसे कहलाएगी? बस मूवी खत्म, पैसा हजम, और हिंदू वसुदेव कुटुंबकम। वो तो खत्म हो ही गया ना, शांति का कबूतर उड़ाते हुए डायरेक्टर करण राजदान, यह है आपका हिंदुत्व का फॉर्मूला, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म वड़ा पाओ। पर ऐसी फिल्म को सारे, मतलब सारे तथा कथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी सपोर्ट कर रहे थे। वैसे सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के जी ने प्रीमियर देखने के बाद इस मूवी का विरोध किया और इसमें चेंजेस की मांग रखी, हालांकि उनकी कंपनी इस फिल्म की मीडिया पार्टनर भी है। अब इन्हें पहले से पता था या तभी पता चला, ये तो वही बता सकते है, मगर कम से कम एक तो जगह, बाकी सब तरफ इतनी खामोशी क्यों है भाई? जो ट्विटर पर राष्ट्रवादी बनते हैं, जो ट्वीट ट्वीट खेलते हैं, वो कहाँ गए? ये सही है, कोई बीफ खाने वाला हिंदुत्व पर ज्ञान देगा, कोई एथिस्ट धर्म पर ज्ञान देगा, मगर हिंदुत्व का नाम लेकर जो ये मजाक किया गया उस पर कौन बोलेगा? ये फिल्म तो चैप्टर 1 है, मतलब अभी बहुत कुछ आने वाला है। पहले चैप्टर 1 में इन्होंने भाईचारा दिखा दिया, सेकंड चैप्टर में चारा दिखाएंगे, और थर्ड में CH दिखाएंगे। अभी CH में आगे के अल्फाबेट्स खुद भर लेना, बाकी सब समझदार हैं। ऐसी फिल्में पता नहीं क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट खत्म करना है, उसका एक्सक्लूसिव राइट ले लेना है जैसे टाइटल, और दूसरा कि एक लाइब्रेरी तैयार करनी है जो आगे आने वाली जनरेशन को ये बता सके कि देखो
ये है हिंदुत्व। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि कैसे कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी बनाए जाते हैं, उनको मार्केट किया जाता है। कुछ तो अब भी छुपकर बैठे हुए हैं। अरे वही जिनके फ्लैट और दुकान कोरोना के काल में इनॉग्रेट हुए थे। लंबी फहरिस्त है ऐसो की, और ये मूवी इसी बात का प्रमाण है। मौसमी राष्ट्रवादी और रंगे सियारों से भरा इस मूवी में हर एक सीन है। सब कुछ इतना नकली और बनावटी है कि आपको हंसी आ जाएगी। डायरेक्टर करण राजदान ने जो मामू बनाया है उससे एक काम अच्छा कर दिया है, और वो ये कि अब पब्लिक हर किसी को इतनी जल्दी प्रमोट नहीं करेगी, वरना मनोज मुंतशिर जैसों की लाइन लग जाती, जो लगे हैं इसी काम पर कि कैसे राष्ट्रवादी हिंदूवादी के नए मसीहा बन सके। भारत ने ऐसे नकली हिंदुत्ववादियों के कारण काफी कुछ भोगा है, और इन नकली हिंदुत्ववादियों के चक्कर में असली हिंदुत्ववादियों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। कैसे मोहनदास करमचंद गांधी उस समय हिंदुओं का एक तरफा लीडर बन गया था, और वीर सावरकर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। 1946 के नोआखाली के दंगों में मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसा का पाठ पढ़ाता रह गया, मगर शांति दूतों ने एक हिंदू वकील को नंगा करके उसका सर कलम किया और उसके दोनों बेटियां आपस में बांट ली। वसुधैव कुटुंबकम का नारा मनुष्यों के बीच अच्छा लगता है मगर पशुओं के बीच नहीं। इस फिल्म ने अगेन ये प्रूव कर दिया है कि काम अब भी बहुत बाकी है, क्योंकि जनता अब भी बहुत जल्दी इन्हीं तथाकथित राष्ट्रवादियों हिंदूवादियों के चक्कर में आ जाती है। याद है ना मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने इतिहास गपोड़ियों को एक्सपोज किया था? ऐसे ही लोगों को मानसिंह में राजपूत दिखता है मगर महाराणा प्रताप में नहीं। और अब चलते चलते एक सलाह आप सभी को, अगर मान सको तो मान लो, कोई मसीहा वसीहा नहीं होता है। ये बी फूट ने जो मजलूमों वाली मानसिकता भारतीयों की बना डाली है ना, ये उसी का नतीजा है। क्या पता ही नहीं चलता है कि कौन असली है कौन नकली है, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी बहुत सारी उम्मीदें ऐसे लोगों से लगा लेते हैं मगर खुद से कुछ नहीं लगाते। पहले स्वयं को सबल बनाएं। हिंदुत्व को आपकी जरूरत ज्यादा है, ना कि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की। असली भाग्य विधाता आप ही हैं। अपने बल को पहचाने और ऐसे फ्रॉड से दूर रहें। अगर आप भी हिंदुत्व को सही मायनों में घर घर पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।